हेलो व्यूवर्स, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अफ़गानी अंडा करी की रेसिपी। तो अंडे तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे अलग अलग तरीके से बनाकर। आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे पैन में ऑयल। मैंने मूंगफली का तेल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, आप देसी घी में भी इसको बना सकते हैं। और सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी लहसुन की कलियां और एक अदरक का टुकड़ा डाल दिया मैंने, और साथ में इसमें डाल देंगे दो प्याज, ये मैंने काट के डाले हैं, वज़न में 150 ग्राम के करीब थे प्याज। साथ ही इसमें डाल दिए 7-8 काजू। अब इनको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इन सब चीज़ों का कच्चापन दूर हो जाए, इतना ही। अब इसमें 4 हरी मिर्च डाल दिए मैंने, बस 1-2 मिनट इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, सब चीज़ें अच्छे से ये रोस्ट हो गई हैं, बस इतना ही फ्राई करना है, इनका कलर चेंज नहीं करना हमने। अब इसमें क्या करेंगे, ये धनिया डाल रही हूँ मैं। धनिया जो है हम डंठल समेत डाल देंगे। अब इसको ठंडा करके हमने पीस लेना है। अब इस साइड मैंने 8 उबले हुए अंडे लिए हैं, और अंडों में हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने सभी अंडों में कट लगा लेना है। इससे क्या होगा कि जो मसाला है अच्छे से अंडों के अंदर अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से हम इस सब को कट लगा लेंगे। तो अब ये जिस पैन में हमने प्याज फ्राई करे थे उसी में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने, और इन अंडों को इसमें डाल के हम थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, बस थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए, ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा कलर आ गया इनके ऊपर। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच ही हल्दी पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा कि अंडों के अंदर बहुत अच्छा जो है कलर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से बस 3-4 मिनट का टाइम लगता है इसमें। अब इसको साइड पर रख देते हैं निकाल कर। अब हम ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। 1/2 छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा थोड़ा सा चटक जाए तो हम इसमें ये प्याज लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था काजू वगैरह मिक्स करके, वो इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई होने देंगे। 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। तो ये देखिए, अब इसमें हम मसाले मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले नमक, तो 1 चम्मच नमक इसमें डाल रही हूँ मैं, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई इलायची, ये 1/2 चम्मच है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मीट मसाला, 1/2 चम्मच है, आप किसी भी कंपनी का मीट मसाला ले सकते हैं। तो आपने देखा, ये जो मैंने मसाला प्याज लहसुन अदरक का बनाया, इनको बहुत ज़्यादा मैंने इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा दरदरा रहने दिया। अब इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने पानी डाल दिया ताकि मसाले जले नहीं, और बस 1-1/2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। तो देखिए, अब इसमें डाल देंगे दही। तो ये घर का दही है, 1 चम्मच मैंने दही इसमें डाल दिया है। अब जब तक दही अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, अच्छे से इसको चलाकर पका लेंगे ताकि ये दही जो है अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, अब
इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम पानी मिक्स कर देंगे। ये देखिए आधी कटोरी के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और मसाले को अच्छे से पक जाने देना है कम से कम 5 से 7 मिनट। तो ये देखिए मसाला काफ़ी देर से बॉईल हो रहा है और अब हम इसमें अंडे मिक्स कर देंगे। तो ये अंडे इसमें डाल के और हमने कम से कम 10 मिनट के लिए पकाना है इसको, ताकि जो भी मसाला है अच्छे से अंडों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे। तो मैंने घर की ही मलाई है उसको वही डाली है। आप मार्केट से भी क्रीम ले सकते हैं, बस आप जो भी इसमें क्रीम डालें वो फ्रेश होनी चाहिए। तो ये देखिए व्यूअर्स 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ग्रेवी एकदम से थिक हो गई है और देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी बनी है और कलर भी कितना अच्छा आया है। बस अब इसको गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे जो भी मेरी रेसिपीज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।